हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर का हलवा और ये रबड़ी। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और सच में खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इस विंटर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी बना के खाना बिल्कुल भी ना भूलें। गाजर का हलवा सबसे पहले हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 700 ग्राम गाजर ली थी, जो अभी के सीज़न में रेड वाली गाजर आ रही है। उसको आप अच्छे से छील ले, धो ले, जड़ की साइड और नीचे की साइड वाला पार्ट काट ले। और इसको जो मैंने ग्रेट किया है, मेरे पास जो ग्रेटर है उसमें तीन साइज़ है। एक आप देख सकते हैं बहुत छोटा इसमें होल है, ये बहुत बड़े होल वाला है, और ये मीडियम। मैंने मीडियम साइज से इसको ग्रेट किया है। और इसको मैं डालूंगी कुकर में एक सीटी लगाने के लिए। तो मैंने जैसे मीडियम साइज़ से ग्रेट किया है तो मैं एक सीटी लगाऊंगी। अगर आप ये मोटे साइड से ग्रेट कर रहे हैं तो आप दो से तीन सीटी लगाएंगे। इन सारी गाजर को हम डालेंगे कुकर में। और इसमें चाय का कप, जो ये नॉर्मल चाय का कप है, उससे 1 कप और 1/4 कप, 1 कप प्लस 1/4 कप मैंने डाला है फुल क्रीम मिल्क। आप यहाँ पे अगर आपके पास भैंस का दूध अच्छा मिल रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फुल फैट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसको अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन और सिर्फ हमें इसमें एक सीटी लगानी है। और जब तक एक सीटी लग रही है हमारी गाजर में, एक तरफ कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 लीटर दूध। ये भी मेरा फुल क्रीम दूध है। इसको हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल करके धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे। आधी क्वांटिटी होने तक नहीं, पर थोड़ा सा इसको और हम उबाल लेंगे। मेन उबलने के बाद भी इसको यहाँ पे इसकी फ्लेम भी मैं कर रही हूँ और फिलहाल हाई। अगर आप ये बनाने के साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम मीडियम या लो करके ही जाएं। गाजर भी जो हमारी सीटी लगेगी कुकर में, उसकी फ्लेम भी मैंने हाई रखी हुई है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ आगे का हमें क्या प्रोसीजर करना है। तो ये देखिए हमारी जो गाजर है ये सॉफ्ट हो चुकी है, और गाजर ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा है और थोड़ा सा दूध भी इसमें बचा होगा। और नेक्स्ट हमारा जो दूध खोल रहा था वो दूध भी थोड़ा सा कम हो गया है जल के। इसमें अब हम डालेंगे हमारी गाजर। और मैं ये गाजर इस तरीके से डाल रही हूँ कि उसमें जो पानी छूटा हुआ है उसको मैं नहीं डालूंगी। तो आप चाहें तो लास्ट में इसको इस तरीके से छान के भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर ले, साइड साइड में भी जो मलाई जमती जाती है उसको भी अच्छे से निकालते जाएं, क्योंकि गर्म दूध जब उस पर लगेगा तो वो आराम से निकल जाएगी, वरना वो सूखता जाएगा और वो वहीं पे वेस्ट हो जाएगी मलाई। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसको बीच बीच में चलाते हुए अब हम इसके दूध को जलाएंगे और गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसका जो दूध है वो पूरा जल चुका है, कम हो गया है, और जो थोड़ा बहुत है उसको भी हम जला के ख़त्म कर लेंगे दूध। इसमें मैं मिलाऊंगी अब ढाई सौ ग्राम चीनी। आप चीनी का टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था 700 ग्राम गाजर, 1 लीटर दूध और 250 ग्राम चीनी। अब चीनी को भी हम इस तरीके से मिक्स करते करते, गैस की फ्लेम मैंने अभी तक लो ही रखी है, 2 घंटे लगभग हो चुके हैं इसको इस तरीके से पकने में, और धीरे धीरे जो गाजर दूध में गाढ़ी होके पकती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको उसमें अलग से खोया मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं चीनी का जो पानी छूटेगा उसको भी हम जला के कम कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो चाशनी या चीनी का जो पानी था वो भी सूख चुका है और हमारा हलवा तैयार है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी ताकि हमारे हलवे का टेस्ट बढ़ जाए। और इसके साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 हरी इलायची जिनको मैंने बारीक कूट लिया था। इलायची हमेशा लास्ट में ही डालें ताकि उसकी खुशबू बनी रहे। तो यहाँ हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा जो है वो कढ़ाई में से खाली कर दिया है और उस कढ़ाई को धोने के बाद उसी में अब हम बनाएंगे रबड़ी। आपके पास दूसरी कढ़ाई है, आप चाहे तो दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं और चाहे तो उसी बर्तन को क्लीन करके आप उसमें बना लें। यहाँ मैंने 1/2 लीटर लिया है फुल क्रीम दूध और इस दूध को हमें अच्छे से उबालना है और उबाल के हमें इसे आधा होने तक पकाना है और गाढ़ा करना है कि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए। तो ये देखिए यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुका है और उबल के मैं इसको थोड़ी देर और खौला चुकी हूँ। ये जो इसमें साइड साइड में ये मलाई जम रही है, इस मलाई को जमने ना दें, इसको स्क्रेप कर लें और बीच में इसको इस तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये मलाई मलाई सी ना जमे। और इस दूध को हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, थोड़ा सा और जलाना है इसको क्वांटिटी में। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई ही रखी हुई है क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू हिला रही हूँ बीच बीच में। 1/2 लीटर दूध है, उसको जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे ही जल्दी इसको गाढ़ा कर रही हूँ। यहाँ दूध जो है वो लगभग आधा हो चुका है। मैं इसमें मिलाऊँगी 2 टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके मिल्क पाउडर में गुठली पड़े तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो पाउडर जब दूध में गर्म होगा तो वो अपने आप ही घुल जाएगा। मिल्क पाउडर मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो दूध को जल्दी गाढ़ा करता है और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपको फिर थोड़ा सा दूध को और ऐसे चलाते चलाते आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा गाढ़ा करने में। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 1/4 कप मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये चाहे तो घर का बना भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अमूल का मिठाई मेड यूज़ कर रही हूँ, इससे हमारी रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यह हमारी रबड़ी भी बनके तैयार है। आप देखेंगे अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड में है पर यह ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और सेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमें यहीं पे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसको कढ़ाई में ही ऐसे जला जला के और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो हो सकता है ये जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाए और फिर हमें गाजर के हलवे के साथ इसका उतना मज़ा ना आए। तो यहाँ मैं गैस की फ्लेम करती हूँ बंद और हम वेट करेंगे इसका थोड़ा सा ठंडा होने का, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे सर्व करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारी रबड़ी बनके तैयार है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी गाढ़े की। आप इसको नॉर्मल किसी और डेजर्ट पे बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे सर्व करना है गाजर के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ मूज कप्स। ये ग्लास मुझे अमेज़ॉन पे भी नहीं मिले थे तो ये मैंने मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी है शिखा, उससे लिए हैं। वो ऑनलाइन बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करती है। आप ऑनलाइन ऑल इंडिया में आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। बहुत वैरायटी के इंग्रेडिएंट्स और बहुत वैरायटी के सामान हैं उनके पास। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी भी तैयार है और गाजर का हलवा भी। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हम करेंगे प्रोसेस। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गाजर का हलवा। इसके लिए आप कोई भी, अगर आपके पास ये ग्लास ना हो तो आप कांच के ग्लास, ट्रांसपेरेंट, कोई डिज़ाइन वाला नहीं, या फिर कांच के बाउल, कांच का जार, उसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हमारी रबड़ी। इस डेज़र्ट को आप गर्म, ठंडा कैसा भी सर्व करें, दोनों ही तरीके से बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में एक और डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी रबड़ी के साथ ही। तो एक लेयर यह हमारी रबड़ी की हो चुकी है। इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे थर्ड लेयर गाजर का हलवा। मुझे ये बनाते बनाते इंतज़ार हो रहा है कि मैं कब इसे खाऊं। और लास्ट में हम थोड़ी थोड़ी सी रबड़ी और उस पर डालेंगे। इसको आप ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर रबड़ी और गाजर का हलवा, ये दोनों ही डेज़र्ट ऐसे हैं जिनमें इन्हें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इस पर डाल रही हूँ सिर्फ थोड़े से रोज़ पेटल्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। और हमारी यहाँ पे रेसिपी बनके तैयार है गाजर का हलवा विद रबड़ी। इसको आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत टेस्टी है खाने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।